अब राजस्थान को लेकर भी कांग्रेस के अपने दावे थे। एग्जिट पोल के बाद कांग्रेस दावा कर रही थी कि राजस्थान में उनकी वापसी होगी, लेकिन फाइनल नतीजों में कांग्रेस राजस्थान से आउट हो गई। इस जीत में कौन कौन सा फैक्टर काम आया और कौन कौन से वैसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से जो रुझान हुए, जो नतीजे हुए वो इवेंचुअली आए, उसकी भी आपको डिटेल दिखाते हैं। राजस्थान में बीजेपी की जीत में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की भी अहम भूमिका मानी जा रही है, क्योंकि राजस्थान में उन सीटों पर सबकी नजर थी जिन पर वसुंधरा राजे का असर माना जाता है, और ये 30 से 60 सीटों के बीच इनका अलग अलग एक्सपर्ट्स अलग अलग तरीके से अनुमान लगाते हैं। अब राजस्थान में 199 में से 42 सीटें ऐसी बताई जाती हैं जिन पर वसुंधरा राजे का दबदबा माना जाता है। इन 42 सीटों में बीजेपी को 22 सीटें मिली, जो पिछली बार से 3 सीटें ज्यादा है। तो अगर आप देखें, पिछली बार भी वसुंधरा राजे की तरफ से और उनके हलकों से यही कहा गया था कि मेरा वर्चस्व अब भी है और मेरे यहां से जो सीटें हैं वो अब भी हमने जीती हैं, बाकी जगह बीजेपी पूरे राज्य में फेल हो गई है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती, ऐसा बीच में अटकलें लगी थी। लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो रानी साहिबा का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, उनकी 42 सीटों में से 22 सीटें बीजेपी को मिली हैं। पिछली बार 18 थी, अब की बार 22 हैं। अब जबकि कांग्रेस को वसुंधरा के असर वाली सीटों पर इस बार तगड़ा झटका लग गया, क्योंकि उसे 6 सीटों के नुकसान के साथ 15 सीटें ही मिली। तो ये जो बाकी जो 3 सीटें वो कहां गई आप पूछेंगे, वो गई थी रेबल सीटों को, यानी कि वसुंधरा राजे के लॉयलिस्ट जिनको की बीजेपी की तरफ से टिकट नहीं मिला और वो खुद अपने आप ही इंडिपेंडेंट होकर चुनाव लड़े और उन्होंने ये सीटें जीती। इधर सचिन पायलट की अपेक्षा कांग्रेस को भारी पड़ गई। माना जा रहा है कि गहलोत के सामने पायलट के कद को छोटा करके दिखाना गुर्जर समुदाय के उनके समर्थकों को खटक गया। माना जा रहा है कि कांग्रेस वक्त रहते खतरे में कि इस घंटी को नहीं भांप पाई, जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा है, क्योंकि राजस्थान में 24 ऐसी सीटें हैं जहां गुर्जर समुदाय के वोटर निर्णायक भूमिका में है। पिछली बार कांग्रेस इन 24 में से 17 सीटों को जीत पाया था, लेकिन अब की बार सिर्फ 6 है, -11, जबकि बीजेपी को सिर्फ 4 सीटों से संतोष करना पड़ा था। लेकिन इस बार बीजेपी ने आधी से ज्यादा सीटें यानी 16 सीटें जीत ली हैं, +12 खींच ली देखिए, और उसे 12 सीटों का फायदा हुआ है, जबकि 11 सीटों के नुकसान के साथ कांग्रेस के खाते में सिर्फ 6 सीटें आई है। तो ये जो गुर्जर बेल्ट था, ये गुर्जर बेल्ट अब कांग्रेस से हटकर वापस बीजेपी की तरफ चला गया। सचिन पायलट की जिन सीटों पर असर था वहां कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। पूर्वी राजस्थान की 42 सीटों पर सचिन पायलट की अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है, लेकिन इस बार के नतीजों का इसे इशारा मिलता है कि गुर्जर समुदाय के लोगों ने कांग्रेस का हाथ छटक दिया, पल्ला झाड़ लिया अपना। अब वही, क्योंकि इस बार अगर आप देखें तो बीजेपी को 24 सीटें मिली हैं पिछली बार के मुकाबले, +20 सीट, 20 सीटें ज्यादा, पिछली बार 4 ही मिली थी इनको, तो 20 सीटों का फायदा हुआ। कांग्रेस को सिर्फ 16 सीटें मिली, मतलब इस बार कांग्रेस -11 हो गया, यानी काफी ज्यादा नुकसान अगर आप देखें। और वहां पर अन्य जो है रेबल्स है उनसे भी 9 सीटें छिन गई हैं, सिर्फ 2 सीटें आई हैं। तो अब की बार कहीं ना कहीं उस गुर्जर बेल्ट में पूरा रुझान बीजेपी की तरफ कांग्रेस से अलग होकर कांग्रेस से पल्ला झाड़ लिया। अशोक गहलोत के लिए भी राजस्थान के नतीजे परेशान करने वाले हैं, क्योंकि ऐसी सीटों पर भी कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा जिन पर अशोक गहलोत का तगड़ा असर माना जाता है, खासकर उस जोधपुर बेल्ट में। राजस्थान के 199 में से कुल 51 सीटें ऐसी हैं जिन पर अशोक गहलोत का बड़ा असर बताया जाता है। उन 51 सीटों में 32 पर बीजेपी कायम है, यानी पिछली बार के मुकाबले 12 सीटें ज्यादा, ये सीटें पिछली बार से 12 ज्यादा है जैसे मैं कह रहा हूं, जबकि कांग्रेस इन 51 सीटों में सिर्फ 10 सीटों का नुकसान सहते हुए सिर्फ 16 सीटों पे आया है, यानी -10 सीट्स। तो आप खुद देखिए कि अशोक गहलोत की लोकप्रियता पर भी झटका है, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अशोक गहलोत ये नहीं कह सकते कि देखिए मेरा तो अपना काम चल रहा है, मेरा वर्चस्व बना हुआ है, क्योंकि इनके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में से भी -10 सीटें हैं और +12 वहां बीजेपी को हुआ है। राजस्थान में कांग्रेस क्यों हारी?